मैं मुल्तान में सूजनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर सर और बिल्लाह ने शिकार हो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हजार सिंह में हुमत और बाजी निजम जिसका नाम करा हुआ है उसमें और फिर अभी चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि गिलगित-बल्तिस्तान में भी लोग जो हैं वो उनके मुरीदैन दीगर हजरात उनके लिए आज गम का पार टूट पड़ा है मियाँ साहब की गलत से। ये जिस वादी निगम जिसका पुराना नाम दरावा है कुंडलशाही से लेकर दुवारियाँ तक मेरी मालूमात के मुताबिक बेशुमार औलिया अल्लाह यहाँ पर पैदा हुए और आज ये सिलसिला जारी है कि दरावा इस मामले में खुशकिस्मत है कि ये वाकई औलिया अल्लाह की सरजमीन और हिंदुस्तान के अंदर दीन तलवार से नहीं फैला बल्कि औलिया अल्लाह के फैज से जो है ये दीन इस्लाम फैला। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो उनकी तालीमात हैं उस पर अमल करें। असल जो बुनियादी बात है उन तालीमात पर अमल किया जाए जिसकी औलिया अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक शरीयत के मुताबिक जिसकी वो तालीम देते रहे। तो मुझे यकीन और उम्मीद है कि मियाँ शफी साहब के इस वक़ारब मियाँ बरकतुल्लाह साहब की इस खिदमत को जारी रखेंगे दीन के लिए लोगों के लिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है उन्हीं लोगों का नाम बाकी रहेगा जो इंसानियत के लिए मुफीद है कारामद और औलिया अल्लाह हमेशा इंसानियत के लिए लोगों के लिए कारामद रहे इसलिए उनका नाम चलता है। तो मैं उनके साहबजान से उनके दीगर इज़्ज़त-ओ-कारब से दिली गम उसका इजहार करता हूँ बल्कि यहाँ अब्दुल वहीद बरकती साहब हमीदुद्दीन बरकती साहब को याद होगा कि पहली बार 1984 में मरहूम और मकफूर सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब के साथ ऊपर ज्यारत पर आने का मौका मिला। एक रात वहाँ कयाम भी किया फिर दो साल के बाद या साल के बाद फिर मैं एक दफ़ा खुद भी वहाँ पर गया था। तो अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे रसूल पाक की शफात नसीब फरमाए और हम लोगों को भी हिम्मत अदा करें। और आखिरी बात फिर कहना चाहता हूँ जिसका औलिया कराम अपनी सारी ज़िंदगी जिसका सबक देते रहे अल्लाह हमें ये तौफीक और हिम्मत अदा करे कि हम उन फरमुदात पर अमल दरामद कर सकें। शुक्रिया आपका जी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है जो गेट के सामने लोग खड़े हैं आप यूनिवर्सिटी की तरफ आएँ चूँकि इस वक्त हज़ारों लोग बाहर खड़े हैं वो जनाजागाह में अभी जगह मौजूद है यूनिवर्सिटी वाली साइड आप उस मस्जिद वाली साइड पीछे जो लोग खड़े हैं आप उस तरफ आएँ। मैं अब मुल्तमिस हूँ इज़्ज़तमात सदर रियासत जनाब सरदार मसूद अहमद खान साहब से यहाँ पाएँ और आज मियाँ मोहम्मद शफी जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के इस ताज़ीदी रहमत से मुखातिब हूँ। मुझसे पहले जो है तफसीली गुफ्तगू कर ली है मैं से भी कहना चाहता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत थे शफी जहांगीर साहब। और दूसरी बात जब रफी मुजाहरा है सरवान का उससे जाहिर होता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे और उनकी वजह से उनकी जारी की वजह से कितना बड़ा रूहानी खाना पैदा हुआ है। मुझे सिर्फ एक और उससे मिलने का सदमा था एलबी भाई वो उनसे जो रूहानी चेहरा उनके जो पाकिजा ख्याल थे उनसे बहुत मुख्तर तौर पर मैं जो है सभी तीन चार सेकंड उनके वो भाई को। और दूसरे जो है इन सब के वो ऐसी शख्सियत थे जो खानदान तक महफूस नहीं थे पूरा पूरा आज़ाद कश्मीर और उनके मानने वाले पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं वो सारे के सारे सरदार हैं। आइए हम सब उन पर बात करें कि उनके मरहूम के दर
जो है दूसरे जहान में बदल हूँ और यहाँ जो लोग हैं जो इस खला जो खला पैदा हुआ है इसके लिए जो है वाह करें कि किसी तरीके से इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत जो है जब वो उठती है हमारे दरमियान से तो एक किस्म का नूर जो है वो भी उठता है, उसके अलावा जो बरकत है वो भी उठ जाती है। तो आने वाले हर मुकर्रर दिन चार चार सेकंड तक ले रूहानी उसके लिए आज राज्य इधर पेश करते हैं और वाह करते हैं कि मकाम हासिल कर। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा हमीदुद्दीन बख्ती साहब से जो इस दरबार के चश्मा चराग भी हैं और आप बुजुर्ग तरीन हस्ती हैं इस मुजफ्फराबाद की पूरे आज़ाद कश्मीर में आप आएँ और आज के सितमा से बहुत बहुत शुक्रिया आपने जनाब साहबजादा हमीदुद्दीन बख्ती साहब। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا देखो ज्यादा काम खराब ना करो। के मसला भाई साहब आज के भाई साहब ना पूछो पीछे खा लो भाई कितना काम लोग सब कह रहे ना जान दी वो भाई पूछो भाई ना छोड़ दे आप सब से ना दे यार ये जो चीज पे क्लाइंट हो रहे हैं इसमें फैक्ट्री में की ऐसी चीज।